हेलो एवरीवन, आज अपन करेंगे इन वन शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे पूरा क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से पूरा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। चलो तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर देना। ये पूरे के पूरे लेक्चर्स 9, 10, 11, 12 के 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आ रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जैसे अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल जब पढ़ा था तो अपन ने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल जिसमें मैं एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी आ रही थी, 2, मतलब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हाइएस्ट पावर कितनी थी 2, मतलब डिग्री थी 2, उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू करके कुछ जीरो लगा दूं, इक्वल टू साइन लगा दूं, तो इक्वेशन बन जाएगा। जब तक इक्वल टू साइन नहीं था तब तक इक्वेशन नहीं था, जैसे इक्वल टू साइन लग गया क्या बन गया, इक्वेशन। तो इसी को अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जनरल फॉर्म है, एकदम जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक स्क्वायर वाली टर्म, एक पावर वन वाली टर्म और एक कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? क्रिस तो पता नहीं क्यों दांत दिखा रहे हैं। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी कोई भी रियल नंबर, अंडर रूट, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कैसा भी हो सकता है, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। और एक्स जो है वो क्या है आपका वेरिएबल। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल यहां पर यह है, तो ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -300। बात समझ में आई? ए बी और सी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म कब रखते हैं, कब बोलते हैं अपन उसको, जब वो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में हो, अरेंज हो, है ना, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो ये पूरे चैप्टर में अलग से कोई थ्योरी नहीं है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई थ्योरी नहीं है, बस एक यही है अभी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके रूट सॉल्यूशन जीरो तो पहले ही बता चुका हूं, पॉलिनोमियल में देख चुके, लीनियर इक्वेशन में देख चुके, रूट सॉल्यूशन और जीरोस। अब निकालना है दो तरीके से, एक तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, 8 से करते आ रहे हो, 7th 8th से, है ना, वो अभी करेंगे एक आध क्वेश्चन में बस। और दूसरी चीज जो इसमें चाहिए, वो आपको चाहिए थोड़ी सी अंग्रेजी, कि भाई इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के समझ सको और इक्वेशन बना सको, खत्म। और लास्ट में एक फॉर्मूला और फॉर्मूले के ऊपर है डिस्क्रिमिनेंट, खत्म, और कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, है ना। तो जल्दी से, अब जैसे ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ना, फटाक से पढ़ते हैं। राम एंड श्याम टुगेदर हैव 45 मार्बल। तो मान लो राम के पास है आर मार्बल, श्याम के पास है एस मार्बल, एस नंबर ऑफ मार्बल्स, तो आर प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिया, तो इसके पास हो गई आर माइनस 5, इसके पास हो गई एस माइनस 5 मार्बल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, चलो स्पेसिफाई किया है ना कि अब जो उनके पास है। कई बार ना क्वेश्चन ना बनाते समय ना कई लोग ध्यान ही चीनी देते हैं, समझ लें अपने आप, बच्चे लोग अपने आप समझ लें, भाई भगवान थोड़ी है कि अपने आप समझ लें। यहां पर बताया है, अच्छी बात है कि नाउ, अब 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद जो मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट, कई बार नहीं बताता है, बोलता है समझ लेंगे बच्चे अपने आप होशियार है ना। We would like to find out how many marbles they have with the starting. तो आपको करना कुछ नहीं है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 माइनस एस, यहाँ पुट कर दूं बस, तो 45 माइनस एस माइनस 5, तो 45 माइनस 5 40, तो 40 माइनस एस इंटू एस माइनस 5 इज इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई करोगे तो 40 एस माइनस 14 इंटू 5 200 माइनस एस स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5s is equal to 124. तो s square minus से multiply कर दे रहा हूँ 45, तो आ जाएगा minus 45s, है ना, minus 200 minus 124, 324 minus, तो ये हो जाएगा plus 324 equal to 0. quadratic equation बन गई। अब इसको अपन solve कर सकते हैं by formula या by splitting the middle term, जो अभी अपन आगे सीखेंगे। Is that clear? सीखेंगे क्या, revise करेंगे, आपको आता ही है। अच्छा, अब आपको पूछ दिया कि बताओ, कोई इक्वेशन दे दिया, बोला बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चार ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, या पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चार ऑप्शन दे देगा। तो देखना आना चाहिए, अब आप डायरेक्ट देख के जज मत करना,
भैया पहले इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल क्यूब है, पूरा सॉल्व करो, क्या पता क्यूब वाली टर्म कट जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, समझ रहे हो? तो पहले पूरा सॉल्व करो, अगर हाई पहले तो, और उसके बाद ये भी देखना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। मान लो ऐसा कुछ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/2 + 1, तो ज्यादा एक्साइटमेंट में मत आ जाना कि एक्स की पावर 2 हाँ क्वाड्रेटिक है, अरे भाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पावर हाफ। अरे होता है, कई लोग बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं एकदम, अरे तो इजी बन गया बन गया बन गया, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्वाड्रेटिक है। अरे होता है, बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इतना एक्साइटमेंट मत लाना, है ना? ठीक है, तो पहले ये देखना कि भाई आप ये देख लिए कि पावर हाईएस्ट 2 बोल के आगे कि ये क्वाड्रेटिक है, अरे भाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पावर हाफ भी तो है, समझ रहे हो? आगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, मैं आपको बता चुका हूं ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसा बनता है ना, पैराबोला। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही जगह टच करके चल जाए, और ऐसा हो सकता है कि करे ही ना, ऊपर हो, है ना? तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, अपन ने जब पढ़ा था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रूट्स पढ़ा था ना, तो अपन ने क्या बोला था, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट में कट कर रहा है वो क्या थे, रूट्स। कितने रूट्स? दो। कितने रूट्स? कितने रूट्स? तो क्वाड्रेटिक के या तो दो रूट्स हो सकते हैं, या वन रूट बोलो, या टू इक्वल रूट्स बोलो, या नो रूट्स। अब कब क्या होंगे वो भी अपन निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। अब फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको बोल दिया कि फैक्टराइज करो, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं। अरे कैसे लगाओगे फॉर्मूला, आपको फैक्टराइज फैक्टर चाहिए, दो फैक्टर चाहिए, फॉर्मूला से तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी एक्स की, तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ताकि बाकी आप लोग कर पाओ, है ना? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे क्या दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3, सबसे पहले a into c करना है, क्या करना है, a into c कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 6। a into c कितना आया, 6। अब देखो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 into 6 लिख सकते हो, 2 into 3 और कुछ लिख सकते हो, नहीं। अब देखो 6 और 1 का माइनस होता है 5, और 2 और 3 का एडिशन भी होता है 5। अब देखो है क्या, अगर मैं 1 और 6 ले लूंगा, 1 और 6, तो मेरे को साइन अलग अलग रखना पड़ेगा, साइन अलग अलग रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को माइनस चाहिए, तो इसको माइनस रखूंगा, इसको प्लस, तो -6 + 1 - 5 आ रहा है, आ रहा है ना, और लेकिन प्लस इंटू माइनस, माइनस आ रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, प्लस, तो मैं ये वैल्यू ले नहीं पाऊंगा। बात समझ में आई, साइन भी करेक्ट होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं कि बस वैल्यू मिल गया फिर एक्साइटेड में आ गए, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। अरे होता है, बहुत बहुत सारे लोग एक्साइटेड आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम, वाह 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 मिल गई वैल्यू, वाह 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 मिल गई वैल्यू, है ना? अब देखो -2 और -3, तो -(-) प्लस आ रहा है, और -2 - 3 कितना हो रहा है, -5। अब अगर ये ले लोगे ना, अटक जाओगे, है ना, समय वेस्ट, मार्क्स गियो। तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको ब्रेक कर दो, तो -2x - 3x + 3, पहले दोनों में कॉमन, बाद के दोनों में कॉमन, पहले दोनों में -2x कॉमन तो x - 1, -3 कॉमन तो x - 1, -(-) हो जाएगा, ठीक है? अरे करते आए हो ना बचपन से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नया थोड़ी है। बस अब ये देखो, ये पूरे टर्म में माइनस करना है ये पूरे टर्म को, तो फिर कॉमन है x - 1, निकाल लूं, हाँ 2x है, 2x है, ठीक है, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया -3। ये हो गया फैक्टराइज, अगर आपको बोला है फैक्टराइज करने तो इतना, और आपको बोला है फैक्टराइज एंड फाइंड द रूट्स, फैक्टराइज एंड फाइंड द रूट्स, फिर यहां तक छोड़ के आओगे तो मार्क्स कटेंगे, तो मत बोलना सर मैंने तो पूरा कर ला था, है ना? ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके बाद, सुनो इधर सीधा सुनो, अब आपको अगर आपको बोल दिया रूट्स निकालो, तो a इंटू बी जीरो कब होगा, या तो a जीरो या b जीरो, अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू 1, और ये जीरो होगा तो x की वैल्यू 3/2, क्योंकि लीनियर को सॉल्व करना तो आता है ना, लीनियर का रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स आ गया 1 और 3/2। तो अगर आपको बोला है फैक्टराइज तो फैक्टराइज करो, है ना, ज्यादा अपना फोकट का ज्ञान ना दिखाओ कि भैया रूट्स निकालेंगे, और बोला है रूट्स निकालने तो रूट्स निकालो, इज दैट क्लियर? जल्दी से क्या वो हम लोग बनाने देती है, आप बना देते।
ऋषिका पढ़ाई कर रही हो? कहाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि कुछ नहीं पढ़ी हूँ 3 दिन में। हाँ ये यही वाला क्वेश्चन मेरे घर बताओ। कौन तुम दोनों एकदम एक एज के हो। हम दोनों ये बड़ा है तो 9 महीने छुट्टी है। कुछ ये सब क्वेश्चन आएगा भैया, स्क्वायर कर दीजिए करो करो जल्दी से, करो जल्दी से अटेम्प्ट करो। पॉज कर देते हैं लो वीडियो। चलो देखो इधर जल्दी से, 3 × 2 = 6। अब 6 चाहिए, अब नॉर्मल नहीं करना है। अब देखो माइनस 2√6 है तो −√6 − √6 −√6 + √6 × √6 = 6 आ रहा है, और −√6 + −√6 − √6 आ रहा है। बस तो यही आपको करना है, पता चल गया। तो 3x²−√6x − √6x + 2 = 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। अब कॉमन भी ऐसा निकालना है कि ब्रैकेट में सेम बचे, समझ में आया? अब देखो, अब मैं इन दोनों में से क्या निकालूं, 3√3 निकालता हूं, क्योंकि देखो यहां पर भी √3 × √3 लिखा हुआ है। इधर सुनो, √3 × √3 लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है √3 × √2, है ना? यहां लिखा हुआ है √3 × √2, और इसको √2 × √2। तो यहां से √2 कॉमन आ जाएगा, यहां से √3 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से √3 कॉमन निकाल लो, √3x, तो क्या बच गया, √3x बच गया, और यहां बच गया √2। बस x तो बाहर आ गया। देखो ये 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ, और √6 को लिख सकता हूँ √3 × √2। ये भी √3 × √2। 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2। अब देखो इन दोनों में √3 कॉमन आ गया एक बाहर, तो बच गया √3x और √2। ये दोनों में से माइनस √2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहां बच गया √3x, और यहां से एक √2 बाहर चला गया, तो बच गया √2। −√2 − += 0। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो √3x − √2 इसको कॉमन अलग, और ये हो गया √3x − √2। फैक्टराइज बोला तो बस यहीं तक, और सॉल्यूशन रूट्स निकालने बोला है, तो x की वैल्यू √√2/√3, और एक वैल्यू आ जाएगी, अच्छा सेम ही तो आ रहा है, दोनों सेम आंसर एक ही, √2/√3। आगे बढ़े, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि मैं पूरा अभी यहां पर डिराइव नहीं करने वाला हूं, मैं यहां डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट रूट्स निकालने का, −b + −√ नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला से वैल्यू निकालो, बहुत आसान है, वैल्यू पुट करना है −b + −√b² − √2ab/4 ac/2a, 36 का √6, एक आंसर आ जाएगा −4 − 6/2, एक आंसर आ जाएगा −4 + 6/2, एक आ जाएगा −10/2 मतलब −5, एक आंसर आ जाएगा 2/2 मतलब 1 और −5 आंसर आ गया। क्या बात है, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भैया, जो अभी फॉर्मूला देखे ना उसमें अंडर रूट के अंदर वाला जो मसाला मिर्च मसाला है, क्या b² − 4ac, इसी को अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ग्राफ ऊपर बनेगा कि कट करके बनेगा कि टच करके बनेगा, मतलब 2√ या 1√ या 0√। यही है वो जो डिसाइड करेगा, है ना? तो ये मोदी जी है यहाँ का इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है? तो अब
अगर ये इसकी वैल्यू जीरो, अगर इसकी वैल्यू जीरो, मतलब देखो माइनस बी फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, अंडर रूट जीरो तो प्लस जीरो और माइनस जीरो एक ही बात हुई, तो मतलब सेम आंसर आएगा खाली माइनस बी बाई टू ए, यही रूट होगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, अगर इसकी वैल्यू जीरो तो सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, यस और नो? चलो तो अगर मैं बोल दूं, अगर इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन ओनली वन रूट, ओनली वन रूट या टू इक्वल रूट, कुछ भी बोल सकते हो, या तो वन रूट या टू इक्वल रूट। अब अगर इसकी वैल्यू डी की बड़ी आएगी तो दो आंसर आएगा, एक प्लस रूट और एक माइनस रूट, दो आंसर आएंगे, है ना? तो अगर डी की वैल्यू ज्यादा है वन से, सॉरी जीरो से, जीरो से ज्यादा है तो कितने रूट्स, टू रूट्स, टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो अंडर रूट माइनस वन, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। हाँ इलेवेंथ में पढ़ोगे इमेजिनरी रूट्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं पढ़ना है उसको, उसको नहीं पढ़ना है। याद रहेगा, ये याद रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो वन सॉल्यूशन, और अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन जीरो तो टू सॉल्यूशंस, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब भैया ग्राफ ऊपर ऊपर नहीं पट जा रहा है ऐसे, है ना, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इज दैट क्लियर? वन रूट्स या टू इक्वल रूट्स, या टू इक्वल रूट्स, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स। अब आपको जब भी बोले नेचर ऑफ रूट्स बताओ, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यही है, टू रियल रूट्स या वन रियल रूट्स या फिर नो रूट्स, ये बताना है। याद समझ में आ गया? जब भी आपको बोले नेचर ऑफ रूट्स तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डी निकालो और बता दो, जल्दी से बता दो। अब देखो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 69, अरे 16 इंटू 9 करो ना जल्दी, 160 में 16 कम कर दो, 160 144, तो ये कितना आ गया जीरो, तो इसका मतलब क्या आएगा, टू इक्वल रूट्स या फिर वन रियल रूट्स। अरे बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना रहा है, 144, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 144 माइनस 144 कितना, जीरो। तो अभी तो पता है अगर डी की वैल्यू जीरो इसका मतलब क्या होता है, टू इक्वल रूट्स या फिर वन रियल रूट्स। पास हो जाओगे ना कल? ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ चुका है ये सवाल, ठीक है? और वो उस दिन जो सीजी बोर्ड का टफ क्वेश्चन तुम बोल रहे थे कि हमारे में नहीं है, सैंपल पेपर में दो बार आ चुका है, मतलब भैया आ सकता है। सीबीएसई के एनसीईआरटी ने जो रिलीज किया था उसमें दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, वो जो बड़ा सा क्वेश्चन नहीं था, इफ पीथ टर्म इज आर, क्यूथ टर्म, पीथ टर्म इज ए, क्यूथ टर्म इज बी एंड आर्थ टर्म इज सी, देन ए पी इंटू क्यू माइनस, ऐसा करके बहुत गंदा सा क्वेश्चन था ना, वो है भैया, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, कल ही तो बताया था, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स जल्दी से, और ये प्रिंट हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, तुमसे शो पूछा था ना, प्रिंट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, अब तो बन जाएगा, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो जैसा वैल्यू यहां से पूरा दिख रहा है, इनफिनाइट तक गया है ये, वैसा पूरा का पूरा यहां से दिख रहा है, तो अगर इस पूरे की वैल्यू x, तो यहां से भी इस पूरे की वैल्यू कितनी x, तो बस वही पुट करना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस x। अब इजी बन गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, एक बात बताओ, यहां से देखने में जैसा दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, क्या यहां से देखने में भी सेम वैसा ही दिख रहा है?
इन्फिनिट तक गया अंडर रूट फाइव के अंदर, अंडर रूट फाइव के अंदर, अंडर रूट फाइव। तो अगर इस पूरे की वैल्यू x है तो इस पूरे की वैल्यू भी x होगी। बस वहां पुट कर दिए, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिए, अब स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला लगा दो या स्प्लिटिंग में मिडल टर्म कर दो। बी स्क्वायर कैसे आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है ना, फोर अंडर रूट ट्वेंटी वन आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में ये आ रहा है रूट वन प्लस माइनस रूट ट्वेंटी वन बाई टू। स्प्लिट मिडल टर्म से आप स्प्लिट नहीं कर पाओगे क्योंकि अंडर रूट में आंसर आ रहा है ना, इसलिए इक्वेशन में हर क्वेश्चन को आपको नहीं बोलेगा फैक्टराइजेशन से करो, जो हो रहा होगा उसी को देगा। हाँ सीबीएसई के स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में है 2024 का ऐसा ही है। फाइंड के इफ दिस हैज टू इक्वल रूट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू इक्वल रूट्स कब होता है, बस शेयर करे थे आज का लिंक, कल तो बोले थे हाँ पक्का भूल गई थी कर जाके। तुम्हारा बड़ा भाई याद नहीं दिलाया, उससे बात नहीं करती। हाँ बोलेगी ना ले चुप करी। आई आंसर आपका दिन ही खराब चल रहा है यार, कितना मुंह देखे थे सुबह पहले।